अभी साहजादे आए थे, एग्रीकल्चर का सवाल पूछते थे। मैं चाहता हूं कि इनके मैनेजर हैं, अगर मेरी बात सुनते हो तो उनको ये आंकड़े जरा दिखा दे। हमारा हिसाब मांग रहे थे, मैं हिसाब देने आया हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 95 तक अनाज का कुल उत्पादन 47 लाख मैट्रिक टन था, 47 लाख मैट्रिक टन, उससे बढ़कर 63 लाख मैट्रिक टन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कपास का उत्पादन 24.8 लाख घासड़ी मतलब गट्ठा कहते हैं, गट कहते हैं, वो 24.8 लाख गट था, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ 23 लाख घट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन। ऑयल सीड का उत्पादन 10.32 लाख मैट्रिक टन था, वो बढ़कर 20 लाख मैट्रिक टन हुआ है। फ्रूट्स का उत्पादन 21 लाख मैट्रिक टन था, वो बढ़कर 85 लाख मैट्रिक टन हुआ है। सब्जियों का उत्पादन 20 लाख मैट्रिक टन था, वो बढ़कर 1 करोड़ 26 लाख मैट्रिक टन तक हुआ है। और दूध का उत्पादन जो 46 लाख मैट्रिक टन था, वो बढ़कर 1 करोड़ 22 लाख मैट्रिक टन तक किया है। ये गुजरात में एग्रीकल्चर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। मगर जिसकी आंखें ही चौंधिया गई हो, उसको विकास नजर में नहीं आता है। मैं गुजरात की जनता को कहना चाहता हूं, विकास उनके लिए मजाक उड़ाने का साधन है, मखौल उड़ाने का साधन है। विकास भारतीय जनता पार्टी का मिजाज है, स्वभाव है। विकास का वो मजाक उड़ा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वो गुजरात का मजाक उड़ा रहे हैं। विकास का वो मजाक उड़ा रहे हैं, उनको मालूम नहीं हजारों करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय पहुंचा, पानी पहुंचा, बैंक अकाउंट पहुंचा, बिजली पहुंची, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मित्रों, मेडिकल सीटों की संख्या कांग्रेस पूरी आजादी के बाद 95 तक 825 छोड़कर गई थी, आज 3230 डॉक्टर हर साल डॉक्टर बनकर बाहर निकलते।